हेलो मीनाक्षी जी। हेलो मीनाक्षी जी, एक चीज बताइए, कभी अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या पीने के लिए बोलता है, कोल्ड ड्रिंक या मौसमी का जूस? मौसमी का जूस ऑब्वियसली। कभी आपने गौर किया है कि मौसमी का जूस पीने के लिए वो क्यों बोलता है? क्योंकि मौसमी के जूस से हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए। अगर आपको पता चले कि उस एनर्जी को हम नाप सकते हैं तो क्या आप देखना चाहेंगी? जी जरूर। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एनर्जी को हम किस चीज में नापते हैं? एनर्जी को हम वोल्टेज में नापते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि मौसमी के जूस से हमें कितनी एनर्जी मिलती है और कोल्ड ड्रिंक से हमारी कितनी एनर्जी लॉस होती है। इसके लिए मैं ले लूंगा एक मौसमी का जूस और दूसरा लूंगा कोल्ड ड्रिंक। तो हम चलिए देखते हैं, टेस्ट करते हैं कितने मिलीवोल्ट हमें मिलते हैं मौसमी के जूस से और कोल्ड ड्रिंक से। के लिए अगर शरीर को खोला जाए तो अंदर कुछ नहीं है, वो है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतने सारे सेल्स, करोड़ों में सेल्स यानी कि कोश अवेलेबल है। अब ये जो कोश है वो एनर्जी जनरेट करते हैं, बैटरी है वो, बट वो मेजर कर सकते हैं हम वोल्टेज में। वोल्टेज को मेजर करने के लिए, जैसे आप पानी को मेजर करते हैं तो ml में करेंगे, लीटर में करेंगे, वजन को मेजर करेंगे तो किलो में करेंगे, वैसे बैटरी को, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं मिलीवॉट्स में, जिसे हम mv कहते हैं, मिलीवॉट्स। अब ये शब्द है ना, सबको पता होना चाहिए, mv यानी मिलीवॉट्स, बहुत ही सिंपल सा शब्द है। सो वोल्टेज मतलब मिलीवॉट्स। अब आपके सेल अगर हेल्दी है तो उसका वोल्टेज -20 से -25 मिलीवॉट्स के बीच में रहेगा, -20 to -25 मिलीवॉट्स। अगर वो मिलीवॉट्स कम हो जाए और प्लस में चले जाए, दैट मीन्स बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, हमारे बॉडी का सेल का पीएच 7.35 टू 7.45 के बीच में रहने के लिए बना है। अगर कोई इंसान को आप वाइब्रेटिंग, एनर्जेटिक, हेल्दी तरीके से देखते हैं, इसका मतलब है उसका सेल का पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो सेल वोल्टेज -20 to -25 एवरेज रहना चाहिए मिलीवॉल्ट्स के बीच में, और सेल का पीएच 7.35 to 7.45। अब यहाँ पर देखिए, जब हम जन्म लेते हैं ना, तब हमारा सेल का पीएच करीबन 7.60 के आसपास रहता है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा अल्कलाइन। इसीलिए आप देखते हैं कि उन बच्चों का सेल वोल्टेज, क्योंकि -35 है, हाई है सेल वोल्टेज, उसकी वजह से उनके बच्चों के अंदर एनर्जी हाई रहती है या लो? हाई रहती है, हाई रहती है। जब एक बुजुर्ग इंसान को देखेंगे आप, तो उनके अंदर की एनर्जी हाई रहती है या लो? ज्यादातर लो रहती है। क्यों? क्योंकि सेल के वोल्टेज डाउन हो चुके हैं। हम जैसे जैसे एडल्टहुड में जाते हैं, और अगर कोई हेल्दी एडल्ट है तो उसका सेल का वोल्टेज -25 के आसपास रहता है, बट जब हम थक जाते हैं ना, तब हमारे सेल के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। जैसे जब आपकी बैटरी थोड़ी सी मोबाइल की डाउन हो जाती है, तो वो थोड़ा सा फंक्शनिंग में आपको प्रॉब्लम करेगा, यू नो, डिस्प्ले जो है उसका ब्राइटनेस कम कर देगा, आपको पूछेगा कि पावर सेविंग मोड में चला जाओ या नहीं। सिमिलरली हमारा बॉडी भी जब थक जाता है -15 के आसपास, और जब बीमार हो जाता है तब -10 के करीब पहुंच जाता है। और अब मुझे ये बताइए कि -10 से भी कम होगा तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? यू विल अट्रैक्ट क्रॉनिक प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी। अब एक हद से कम हो जाए अगर हमारे सेल के वोल्टेज, तो प्लस 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 30 तक पहुंच जाता है, तो इतनी कंडीशन खराब हो जाती है कि कैंसर होने की संभावना होती है। यानी कि जब हम +5 +10 के आसपास होते हैं, तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, थायराइड, पीसीओडी, ये सारी चीजें होने की संभावना है, या कोई भी किस्म के हेल्थ चैलेंज। अब अगर +30 यानी कैंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब लो वोल्टेज हो जाता है तब बीमारी आती है, और अगर किसी को बीमारी है, दैट मीन्स उसका बॉडी जो है वो लो वोल्टेज पे काम कर रहा है। कितने लोगों को इतना समझ में आया? हमारा सेल का वोल्टेज क्या होना चाहिए? एवरीवन, लेट्स रिपीट सो दैट यू रिमेंबर, -25 से लेकर -, यस, वोल्टेज उतना होना चाहिए। एंड हमारा सेल का पीएच कितना होना चाहिए? 7.35 से लेकर 7.45 पीएच, अगर वो है तो हेल्दी है। अगर हमारे सेल के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं तो बीमारी आएगी या नहीं आएगी? बीमारी आएगी। सेल के वोल्टेज बढ़ते हैं यानी कि माइनस में चले जाते हैं, दैट मींस बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। ओके, सो हमें क्या करना है? सिंपल सा, यू नो, उसका लॉजिक है कि अगर हम बीमारी को दूर करना चाहते हैं, ऑल वी हैव टू डू इज रेज द वोल्टेज ऑफ योर सेल्स। इन अदर वर्ड्स, नए सेल बनाइए, हेल्दी सेल बनाइए।
सो इसके ऊपर है ना एक बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग मैं बताना चाहूंगी, जेरी टेरेंट करके उन्होंने किताब लिखी है हीलिंग इज वोल्टेज। मैं रेकमेंड करती हूँ आप जरूर ये किताब पढ़िए, हीलिंग इज वोल्टेज। ये किताब में ये डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप हमेशा हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको दवाइयां लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है और वो है नए सेल बनाइए। और नए सेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड में लिखा है आपको कितना वोल्टेज चाहिए, -50 मिलीवॉल्ट्स। कितना चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स ओनली, सिर्फ -50 मिलीवॉल्ट्स मिल जाता है तो आपके सेल रीजनरेट और नए हैं और हेल्दी सेल बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर ये समझ में आया तो ये पूरा चार्ट अगर इसका भी फोटो निकालना चाहे निकाल दीजिए कि -50 मिलीवॉल्ट्स वोल्टेज मिल जाता है, वो इंसान का रिकवरी और हीलिंग होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हमने एक ग्लास में मौसमी का जूस ले लिया है और एक ग्लास में हम लेंगे कोल्ड ड्रिंक कोको कोला। ये देखिए दोस्तों आज कोको कोला का टेस्ट करते हैं कि कोको कोला पीने से हमें एनर्जी मिलती है या मौसमी के जूस से। ये मैं डाल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, थोड़ा बचा लेते हैं। दोस्तों यह है इसको नापने का, जिसे कहते हैं वारपी मीटर। वारपी के बारे में दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे कुछ और वीडियो देख सकते हैं और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ऑन कि वारपी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर आपको इसका रेंज दिखाई दे रहा होगा -1900 से लेकर के +1900 तक, यानी मतलब यह है कि अगर इसमें कोई चीज प्लस आती है तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, और अगर वो ORP माइनस में आती है यानी मिलीवोल्ट माइनस में आता है तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको ऑन कर, इस मशीन को अब हम ऑन कर लेते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये हवा के संपर्क में है मीटर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कोल्ड ड्रिंक का। तो दोस्तों एक कोल्ड ड्रिंक का ORP है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कोल्ड ड्रिंक का ORP चेक करते हैं हम। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक हमने डाला है तो कितना आपको दिखाई दे रहा है, 263 पे 4, ये हमें प्लस में दिखाई दे रहा है, 266 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कोल्ड ड्रिंक अगर हमें पीते हैं तो ये प्लस में आ रहा है। दोस्तों ये प्लस में गौर कीजिए, जो भी चीज़ प्लस में आती है वो हमारे लिए सीधे सीधे हानिकारक होती है। इतना मिली वोल्ट हमें प्लस में मिल रहा है जो हमारे सेल्स को डैमेज कर रहा है, और +35 होने पर ही हमें कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर हम लगातार कोल्ड ड्रिंक पीते रहे दोस्तों तो वो इतना ज़्यादा प्लस में हो रहा है कि हमें कैंसर तक हो सकता है। दोस्तों अभी हमने कोल्ड ड्रिंक का ORP चेक किया जो प्लस में आया, अब हम चेक करते हैं मौसमी का ORP। बढ़िया यार, ये तो दोस्तों आपको दिखा दे रहा होगा ये प्लस से माइनस में होता जा रहा है, देखते हैं लास्ट में ये कहां पे तक रुकता है। क्या बात है, क्योंकि ये अभी कोल्ड ड्रिंक में था तो इस पे वो लगा हुआ है। दोस्तों ये कम होते होते 34 तक पहुंच चुका है और अभी हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ कहाँ पे स्टेबल होता है। दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो इसका मौसमी के जूस का ORP है, इसमें मैंने मीटर डाला हुआ है, ये करीब करीब 29 और इसके आसपास पहुंच चुका है, 30 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि हमारा जो कोल्ड ड्रिंक का था वो 250 से ऊपर था और ये आप देख पा रहे होंगे 30 के आसपास है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो जूस हैं और दोनों जूस पे चेक करते हैं कि कौन सा जूस ज़्यादा हमारे लिए बेटर है, यानी जिसकी ORP नेगेटिव होगी कम होगी वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो पहले अभी हमने मौसमी को तो चेक कर लिया था, अभी हम ये है मेरे पास अनानास का जूस, ये अनानास के जूस पे हमने चेक किया, ये अनानास के जूस में डाला दोस्तों हमने, तो अनानास का जूस आपको दिखाई दे रहा होगा ये ORP बढ़ रहा है, ये बढ़ते बढ़ते देखो माइनस में जा रहा है। दोस्तों क्या बात है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा 30, 31, ये देखिए दोस्तों ये अनानास का जूस है, यानी हम कह सकते हैं कि अनानास का जूस मौसमी के जूस से ज़्यादा बेटर है। ये मैं थोड़ा सा मीटर और पास लेके आ रहा हूँ, -33 हो रहा है लगातार लगातार, ये देखिए दोस्तों बढ़ रहा है,
और -33 अनानास का जूस आया है। ये पाइनएप्पल का जूस है, पाइनएप्पल का जूस गया हमारा -32 ORP का, यानी बहुत बेहतरीन जूस है दोस्तों। ये हम नहीं कह रहे, ये मीटर कह रहा है। और इसको थोड़ा सा वॉश करके मैं उसमें डाल देता हूँ, अभी मैं मौसमी के जूस में डाल रहा हूँ दोस्तों। अभी आप देखिए मौसमी का जूस कितना दिखाता है दोस्तों। ये मौसमी के जूस में डालते ही पॉजिटिव जा रहा है, यानी पॉजिटिव जा रहा है। जहाँ हमें अनानास के जूस ने दिखाया -ORP, वहीं मौसमी का जूस हमें दिखा रहा है पॉजिटिव ORP। ये देखिए दोस्तों बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये 8 हो गया, एक तरफ अनानास का जूस, एक तरफ मौसमी का जूस। दोस्तों पाइनएप्पल और मौसमी में से हमारी जो ORP मीटर ये मशीन है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्टैंडर्ड मशीन है ORP मीटर। और ORP मीटर के बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही मैं सू फार्म से लेके आया हूँ, ऑर्गेनिक जूस है दोनों ही। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे पता चली है कि मौसमी के जूस से बेटर अनानास का जूस है। अब मैं इसमें एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली हमारा कंक्लूजन ये निकला कि मौसमी के जूस से अनानास का जूस बेटर है। अभी मैं इसको बिना वॉश किए हुए ही एक बार वॉश कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि मौसमी वर्सेस पाइनएप्पल के जूस में जो विनर रहा है वो रहा है पाइनएप्पल का जूस। देखो वो लगातार माइनस जा रहा है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हमने यहाँ पर मौसमी और अनानास के जूस का एक्सपेरिमेंट किया। मौसमी के जूस से बेटर अनानास के जूस से हमें एनर्जी मिलती है, उसके बाद मौसमी के जूस में एनर्जी मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हम कभी कभी पीते हैं, मौसमी का जूस हो गया, कोई भी जूस हो गया, लेकिन जो हम डेली पीते हैं जैसे कि हमारे घर का पानी, तो आइए चेक करते हैं हमारे घर का पानी। और यहाँ पर ये रखा है किनले वाटर, तो ये तो इस किनले का पानी और हमारे घर का पानी आइए चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अभी हम किनले का पानी का एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले ढक्कन खोल लेते हैं इसका। सील लगा हुआ है, सील लगा हुआ है, एकदम बंद है। देखिए इस सील खोला तो ये डाला, तो ये इस ग्लास में आ गया किल्ले का पानी। और इसमें डालेंगे हम अपने घर का पानी। ये किल्ले का पानी है और ये डालेंगे, हम डालेंगे अपने घर का पानी। पढ़ के कहाँ तक जाता है हम चेक कर लेते हैं। बंद मत करो, हाँ ऊपर से करो। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे किनले का ये पॉजिटिव ORP आ चुका है। अब मैं चेक करता हूँ अपने घर का पानी। ये मैं यहाँ से इसको उठा करके अब मैं डाल रहा हूँ इस पर। जैसे ही मैंने इसको अपने घर के उसमें डाला तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ORP माइनस में जा रहा है दोस्तों। ये लगातार माइनस में बढ़ रहा है। दोस्तों जहाँ किले का पानी जो था, ये किले का पानी है, वो प्लस ORP दिखा रहा था, वही मेरे घर का पानी माइनस ORP दिखा रहा है। दोस्तों अगर आप ये माइनस ORP वाला पानी पी रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों ये आपकी सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगा। इसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर की वीडियो है, आप उनको ज़रूर ज़रूर देखिए। अभी भी लगातार माइनस जा रहा है। देखा दोस्तों आपने कि हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, कोल्ड ड्रिंक का, मौसमी के जूस का और अनानास के जूस का। यहाँ तक हमने किले के वाटर को भी टेस्ट किया और अपने घर का पानी भी हमने टेस्ट किया। तो हमने क्या पाया दोस्तों, अगर एक कोल्ड ड्रिंक का और आप
अनानास के जूस का एक्सपेरिमेंट अपने घर पे अपने बच्चों को दिखाएंगे तो आपके बच्चे फिर इसके बाद कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पियेंगे। उनको साइंटिफिक तरीके से पता चल जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक उनके लिए कितनी हार्मफुल है। तो दोस्तों, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए कोल्ड ड्रिंक को आप ये एक्सपेरिमेंट उनको दिखवा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपके घर पे आपको डेमो देगी, आपके घर का पानी चेक करेगी और ये आपको बताएगी कि आपके घर का पानी का वारपी कितना है। अगर आपके घर का पानी का वारपी भी हमारे घर के पानी की तरह है, दोस्तों आपको मौसमी का जूस हर टाइम पीने को घर में मिल रहा है, अनानास का जूस हर टाइम घर में पीने को मिल रहा है। दोस्तों, एक खासियत होती है ORP नेगेटिव वाली चीज़ें खाने से। दोस्तों, इसके लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर कंप्लीट वीडियो है, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा ORP क्या चीज़ होती है, क्यों हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। उस वीडियो को आप गौर से जरूर जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए अनिल के साथ। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।